नमस्कार, हिंदू रिचुअल्स विद प्रणव पाठक में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम पुराणों और ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर संक्षिप्त रूप में सभी नौ ग्रहों के स्वरूप, प्रकृति, दिशा, राशि, शत्रु, मित्र, प्रभाव आदि सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों में प्रमुख आदित्य यानी सूर्य ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य को कश्यप का पुत्र कहा गया है। इनका वर्ण गुलाबी मधु के जैसा, वह नेत्र पीले और चौखुटा शरीर तथा सिर पर जरा जरा से केश है। इनकी दो पत्नियां छाया और संज्ञा है। पुत्र में शनि यम और पुत्री में यमुना है। यह वृद्धावस्था के ग्रह है। इनका वाहन सात अश्वों से युक्त रथ व उसके सारथी अरुण है। ये पूर्व दिशा के स्वामी है। इनकी प्रवृत्ति सात्विक व इनकी जाति क्षत्रिय है। यह मनुष्य की उन्नति और विकास का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर आत्मविश्वास और भावुकता को संतुलित करते हैं एवं मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व के स्वामी यही माने जाते हैं। संभवतः मनुष्य के नेत्र, दांत, कान, रक्त और हड्डी पर यह अपना प्रभाव डालते हैं। इन्हें पूर्व दिशा का स्वामी कहा गया है। इनके मित्र चंद्रमा और मंगल है। सम में मात्र बुध है और शत्रुओं में शुक्र, शनि एवं राहु केतु है। ये सिंह राशि के स्वामी कहे गए। चंद्र ग्रह। पुराणों के मतानुसार चंद्रमा की उत्पत्ति अत्रि मुनि के अश्रुओं के द्वारा हुई है। गोल शरीर, सुंदर नेत्र, बुद्धिमान, मृदुभाषी, चंचल और कामी यह चंद्र ग्रह देव है। ये वायव्य दिशा के स्वामी माने जाते हैं। इनकी जाति वैश्य है। इनका रंग श्वेत, वाहन मृग है। चर स्वभाव होना इनकी विशेषता है। इनके मित्रों में सूर्य और बुध है। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि सम है तथा इनके शत्रुओं में केवल राहु और केतु है। ये कर्क राशि के स्वामी है। मंगल ग्रह। मंगल की उत्पत्ति भूमि से हुई है। ये क्षत्रिय जाति के है। इनका वर्ण लाल तथा दक्षिण दिशा के स्वामी है। गोत्र भारद्वाज व स्वभाव अति उग्र व क्रूर है, लेकिन समय पड़ने पर यह उदार प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। इनका शरीर मध्यम व पित्त प्रकृति से युक्त है। ये युवावस्था के ग्रह है। इनका वाहन मेढा व निवास दग्ध भूमि में ही रहता है। दाम्पत्य जीवन में मंगल का विशेष महत्व है। इनके अशुभ होने पर दाम्पत्य जीवन कष्टमय, संतान बाधा और अनेकानेक उपद्रव होते हैं। सूर्य, चंद्रमा व गुरु इनके मित्र है। इनके शत्रुओं में बुध और राहु केतु है। शुक्र और शनि सम है। ये मेष और वृश्चिक राशियों के स्वामी है। बुध ग्रह। पुराणों के अनुसार बुध ग्रह की उत्पत्ति अत्रि गोत्र में हुई है। इनके पिता चंद्रमा है व वर्ण हरा, जाति शूद्र और इनका वाहन सिंह है। ये मनुष्य के भीतरी व्यक्तित्व के दूसरे रूप के स्वामी माने जाते हैं। हृदय व रक्त का संचालन, आंख, कान और हड्डी पर ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। इनके मित्र सूर्य, शुक्र और राहु केतु है। मंगल, गुरु और शनि सम है और शत्रुओं में एकमात्र चंद्रमा ही है। ये मिथुन और कन्या राशि के स्वामी कहे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह। ये अंगिरा गोत्रीय व ब्राह्मण जाति के ग्रहदेव हैं। इनका शरीर लंबा, केश पीले, पीत दृष्टि और इनका वाहन हाथी है। ये ईशान दिशा के स्वामी होते हुए वृद्धावस्था के ग्रह है। आध्यात्मिक रूप से गुरु व्यक्ति के विचार और आचरण के मिलन को दर्शाते हैं, जो उदारता, उत्तम स्वभाव, सौंदर्य, प्रेम, शांति, भक्ति और व्यवस्था आदि को बुद्धि के रूप में प्रकट करते हैं। इनके मित्र सूर्य, चंद्रमा, मंगल है। शनि, राहु, केतु सम है और इनके शत्रुओं में बुध और शुक्र आते हैं। धनु और मीन राशि के ये स्वामी है। शुक्र ग्रह। ब्राह्मण जाति के शुक्र भृगुपुत्र है। सुंदर शरीर, घुंघराले केशों वाले यह शुक्र ग्रह है। इनका रंग सफेद तथा इनका वाहन अश्व है। इन्हें आग्नेय दिशा का स्वामी कहा जाता है। ये मनुष्य के भीतरी व्यक्तित्व के प्रथम रूप के स्वामी माने जाते हैं। स्वतंत्रता, व्यवसाय, सौंदर्य और क्रीड़ा का मुख्य रूप से यही प्रतिनिधित्व करते हैं। कन्याओं का अधिक होना इन्हीं के प्रभाव से होता है। इनका स्वभाव राजस गुणी है। इनके मित्र बुध, शनि और राहु केतु है। मंगल और गुरु सम है तथा इनके शत्रुओं में सूर्य और चंद्रमा आते हैं। वृष और तुला राशि के ये स्वामी है। शनि ग्रह। कश्यप गोत्रीय परम वैष्णव, नील परिधानधारी, धनुष और शूल युक्त, भास्वर मुकुट मंडित, सूर्य और छाया के पुत्र शनि है, जिनका वाहन गृध है, जो आतंक के निधि व चतुर्भुज गंभीर प्रवृत्ति के हैं। दुर्बल, कमजोर व लंबा शरीर, वर्ण सावला, पीत नेत्र, मोटे मोटे दांत, आलसी, वायु प्रकृति से युक्त है, जिनके पूरे शरीर पर बाल है, ऐसे नपुंसक जाति के यह शनि ग्रह देव है।
जिनकी दिव्य दृष्टि से इस संसार का समस्त व्यवसाय संचालित होता है, जो मनुष्य के अंतर्मन के स्वामी भी है और दृढ़ निश्चय, गंभीर व कठिन कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये मानव के भीतरी व्यक्तित्व के स्वामी कहे जाते हैं। लोहे से संबंधित व्यवसाय, हीनवृत्ति, पति पत्नी में तनाव और अन्य जाति के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इन्हीं के प्रभाव से होता है। इनके मित्र बुध, शुक्र, राहु और केतु है। समग्रहों में एकमात्र गुरु है और शत्रुओं में स्वयं इन्हीं के पिता सूर्य और चंद्रमा व मंगल आते हैं। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी कहे जाते हैं। राहु ग्रह, ये चांडाल जाति के छाया ग्रह पैठिनस गोत्रीय है। धुए के तुल्य इनका वर्ण है व नैऋत्य दिशा के स्वामी है। इनका शरीर नील वर्ण का तथा इनका वाहन सिंह है। इनको तम भी कहा जाता है। इनकी आकृति सर्पाकार है। यह ऊसर भूमि में रहने वाले वृद्धावस्था के छाया ग्रह है। लड़ाई झगड़ा करवाना ही इनका प्रमुख कार्य है। ये संतति देने वाले तथा न्यायालयों के कार्य में सफलता दिलाने वाले हैं। वैसे तो धन की वृद्धि का मुख्य रूप से यही प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु दुर्योगों के चलते दरिद्रता के कारक भी बनते हैं। निद्रा का न आना, नशे की वस्तुओं का सेवन और व्यर्थ की चिंता इन्हीं के प्रभाव से प्राप्त होती है। इनके मित्र बुध, शुक्र, शनि और केतु है। गुरु सम है तथा इनके शत्रुओं में मंगल, सूर्य और चंद्रमा आते हैं। केतु ग्रह, ये काले रंग के छाया ग्रह है। ये जैमिनी गोत्रीय व शूद्र जाति के हैं। इनकी आकृति ध्वजाकृत है। इनको शिखी नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी जाति वर्ण शंकर है। इनका निवास ऊसर भूमि में रहता है। यह तमोगुणी छाया ग्रह है। इनकी आकृति पक्षी के तुल्य है और इन्हें पश्चिम दिशा का स्वामी कहा जाता है। इनका वाहन कपोत है। वैसे तो अशुभ स्थान पर यह जब निवास करते हैं तब यह जातक को क्लेश ही प्रदान करते हैं, अतः इन्हें क्लेश कारक छाया ग्रह भी कहा जाता है। द्रव्य की प्राप्ति, मित्रों से प्रेम, संतान प्राप्ति और राज सम्मान इन्हीं के प्रभाव से आता है। विपरीत होने पर मन में कुत्सित विचार, कठिन से कठिन कार्यों का आगमन, दूषित विचार, घृणित से घृणित कार्य, यह सब इन्हीं के प्रभाव से ही होता है। इनके मित्र बुध, शुक्र, शनि, राहु है। सम में गुरु तथा इनके शत्रुओं में मंगल, सूर्य और चंद्रमा आते हैं। क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रहों में आते हैं, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, किंतु मत मतांतर से कुछ ज्योतिषाचार्यों द्वारा कहा गया है कि राहु को कन्या राशि का और केतु को मीन राशि का आंशिक स्वामित्व प्राप्त है। तो मित्रों, आगे मैं आपके लिए सभी नौ ग्रह पर विस्तृत जानकारी के साथ अलग से वीडियोस बनाने वाला हूं। अभी के लिए जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, ऐसे ही हमारे वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों में संकलित ज्ञान, उपासना, कर्मकांड एवं ज्योतिष के अद्वितीय विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन।